ओके, सो वेलकम बैक गाइस। प्रीवियस वीडियो में वी पीपल हैव स्टडीड अबाउट द सिंपल मसल ट्विच, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था, वार्म रिंगर एंड कोल्ड रिंगर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर उसका स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस को इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट मिलेगा, लाइक कम स्ट्रेंथ दिया, मीडियम स्ट्रेंथ दिया, ज़्यादा स्ट्रेंथ दिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिया, एंड देन वी हैव टू सी कि हाउ इज़ द लाइक उसके जो ग्राफ रहेंगे वो कैसे टाइप आएंगे। तो इसमें भी बहुत अंदर छुपा हुआ एक फिजियोलॉजी का विजडम है। विल बी डिस्कसिंग दिस कि हाउ लाइक डेली डे टू डे एक्टिविटीज में हाउ आर रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स आर टेकिंग प्लेस। ओके, कोई सा भी काम अगर हम लोग को करना होता है तो कैसे कैसे काम करता है, वो सारा फिजियोलॉजिकल फिनोमिना ये वीडियो में विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, ओके। सो इसमें थिंग इज की लाइक द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दिस इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाई विच इज अप टू अ फिक्स लिमिट। तो विल बी स्टडिंग दिस कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है, और सारी चीज़ वही है, बस इसमें एक डुबोइस रेमंड इंडक्टोरियम आता है और शॉर्ट सर्किटिंग की, ये एक मतलब ये एक एडिशनल पॉइंट है, डुबोइस रेमंड इंडक्टोरियम, दिस वन इज एडिशनल। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस। ये जो आप देख रहे हो, ये जो होल एरिया है, दिस इज द प्राइमरी कॉइल, ओके, और ये वाला जो एरिया है इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये जो आपको दिख रहा है ये प्राइमरी कॉइल है एंड ये सेकेंडरी कॉइल है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई वी पीपल आर स्टडिंग, क्योंकि ये स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस को बढ़ाएगा। ठीक है, अगर मैं ये दोनों का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ जो रहेगा वो कम रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस कम होगा। ठीक है, हल्का सा आएगा। अगर उसको 1 सेंटीमीटर उसको करीब लाते जाऊँगा, ठीक है, उसको एकदम करीब ला दूंगा, तो उसका स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस विल बी मच मोर इंक्रीज्ड। ठीक है, तो वी विल बी डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, होल एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखेंगे कि कैसे आता है रिस्पॉन्ड। सो ये पहला वाला है। ठीक है, तो इसमें हमने प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल दोनों को लाइक थोड़ा डिस्टेंस पे रखा था, ये स्केल से वी पीपल हैव मेजर्ड, ओके, एंड उसको मेजर करने के बाद वी हैव सीन कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे ऐसे कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, एंड दिस इज़ नॉट अ रोटेटरी ड्रम, इसमें हमने ड्रम को स्टेशनरी रखा है। ठीक है, ड्रम स्टेशनरी रहेगा, इसमें ड्रम घूमेगा नहीं, उसमें गोल गोल घूमता था तो लिवर ऐसे एक मार्किंग देता था, इसमें जो ड्रम रहेगा दैट विल बी स्टेशनरी, एंड वी हैव टू सी कि वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है। तो एकदम मिनिमल स्टिमुलस दिया, ठीक है, बिलो थ्रेशोल्ड दिया स्टिमुलस, और उसमें देखा कि ये कैसा रिस्पॉन्ड करता है, जो लिवर है वो ऊपर जाता है कि नहीं, मसल रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो इसमें जब आप लोग ने फर्स्ट वाला जब स्टिमुलस दिया था तो इसमें रिस्पॉन्स नहीं किया था। ठीक है, सो हियर व्हाट वी हैव डन, ये मसल को फिर से आपको अनस्टिमुलेटेड रखना है फॉर 15 सेकेंड्स, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा उसका इंक्रीज करना है, यू हैव टू इंक्रीज लाइक ये जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा और कम करना है, फिर उसके बाद आपको टैप की से प्रेस करके अगेन यू हैव टू गिव अ स्टिमुलस, फिर देखना है कि कुछ रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ टैप की से आई एम गिविंग अ स्टिमुलस, और यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा रिस्पॉन्स आया, ओके, सो देर इज अ स्टिमुलस, हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है लेकिन कम है, ये मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने डिस्टेंस को और कम कर दिया, आप देख रहे हो अभी ये डिस्टेंस और कम कर दिया इन्होंने। ठीक है, पहले डिस्टेंस प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का ज़्यादा था, अब और कम कर दिया, तो ये जैसे कम किया फिर वो लोग देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस कैसा जा रहा है। तो हियर यू कैन सी कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस इनका इंक्रीज आ रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन, पहले कम था, लाइक पहले ये जो हाइट एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन था वो कम था, नाउ दिस एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज मच मोर हायर, फाइन, ओके। फिर और ज़्यादा रिड्यूस किया, अब देख रहे हो एकदम प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल को एकदम कम कर दिया, नाउ दे विल सी कि अब हम लोग अगर एक स्टिमुलस देते हैं तो कैसा रिकॉर्डिंग आता है। अब ये लोग कर रहे हैं तो हाइट ऑफ एम्पलीट्यूड उसका और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो पहले तो कम था, अगर 2 स्लाइड में पीछे जाके देखूंगा यहाँ तो कम था, लेकिन अभी देखो अभी और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज मच मोर इंक्रीज, मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सो दिस इज द होल ग्राफ जो आपको एग्जाम्स में आता है, और ये ग्राफ हम लोग ने पूरा लिया कि डिफरेंट जो प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल थे जब वो डिस्टेंट में थे तब कैसा आ रहा था, जब एकदम करीब कर दिया तब कैसा आ रहा है। ठीक है, सो हियर वी हैव बेसिकली इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस
फ्रॉम डिक्रीज लोअर स्टिमुलस से इंक्रीज हायर स्टिमुलस तक वी हैव केप्ट ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस. ठीक है, तो जब कॉइल जब दोनों दूर दूर थे लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल जब डिस्टेंस था उनका अच्छा खासा, तो द स्टिमुलस वॉज बेसिकली लोअर स्टिमुलस था. ठीक है, और ये जो MB ये जो लिखा हुआ है दिस इज मेक स्टिमुलाय एंड B स्टैंड फॉर ब्रेक स्टिमुलाय. M इज फॉर मेक स्टिमुलाय, B इज फॉर ब्रेक स्टिमुलाय. ठीक है, तो ये जो MB है लोअर स्टिमुलस, यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है. जब आप लोअर स्टिमुलस दे रहे हो देर इज नो एक्टिविटी. ठीक है, फिर से आपने दिया था मेक और ब्रेक में, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी. लेकिन उसके बाद आपने जैसे इंक्रीज किया, ठीक है, तो आपको मेक में एक्टिविटी नहीं मिला लेकिन ब्रेक में मिला. अब बच्चे पूछते हैं सर मेक में नहीं मिला ब्रेक में मिला, ऐसा क्यों? क्योंकि मेक में जो स्टिमुलस था वो मीडियम था, लेकिन उसमें देर वर रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर फाइबर्स. जो करंट था वो मेक वाले में कम था लेकिन इसमें करंट ज़्यादा था. स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस वॉज द सेम, लेकिन आपने उसको इतना ज़्यादा टैप की किया कि रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर फाइबर्स ज़्यादा अप्लाई हो गया, तो वो अपने थ्रेशोल्ड के हिसाब से ऑल ऑन नल लॉ पूरा अप्लाई किया था उसमें. तो इसीलिए ब्रेक ने अपना पूरा जितने भी रिक्रूटमेंट थे मोटर यूनिट्स के सारे अप्लाई हुए. ठीक है, सेम थिंग हैपेंस विथ हियर. इसमें भी जब उन्होंने मेक वाले किया तो हल्का सा थ्रेशोल्ड पास किया था, स्लाइड करंट दिया था तो वो इतना गया था. ब्रेक वाले में व्हाट हैपेंड कि सारे मोटर यूनिट, सारे रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स हो गए थे, तो इसलिए ब्रेक वाले में इंक्रीज हो गया. ठीक है, देन आफ्टर दिस व्हेन यू विल नोटिस दिस वन हियर द हाईएस्ट स्टिमुलस, ये जो हाईएस्ट स्टिमुलस है इसमें आप मेक एंड ब्रेक दोनों का देख रहे हो तो सेम है. एंड इसमें द जो मैग्नीट्यूड है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, जो हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज बेसिकली द सेम, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा है. हियर यू कैन सी दैट देर इज इंक्रीज, बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट हाईएस्ट स्टिमुलस पे वो सब एक साथ, मतलब एक हाइट से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है. इसका क्या रीज़न है वी विल बी स्टडिंग दिस. ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं और हम लोग अभी आज के पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि वेन एवर लाइक यू आर पिकिंग अप समथिंग. ठीक है, अभी अगर मेरे को ये बुक उठाना हो रहा है तो मैं ये बुक उठा लिया. ओके, फिर अगर मेरे को ऐसा दो बुक उठाना है तो मैंने दो बुक उठा लिया. अगर मेरे को लैपटॉप भी उठाना है साथ में, मैं लैपटॉप भी उठा ले रहा हूँ. ठीक है, बट कैसे हो रहा है कि आपके मसल्स जो हैं वो एक बाय एक वेट्स पे वेट्स एडअप होते जाते हैं. हाउ यू आर एबल टू होल्ड, क्यों? क्योंकि आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस है वो सारा एक्ट कर रहा है. जो मोटर यूनिट्स के जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसका डायग्राम दिखाऊंगा, वो सारे के सारे वो हो जाते हैं. तो अप टू अ सर्टेन वेट लाइक 40-50 केजीज तक मैं उठा लूँगा, मेरे सारे के सारे मतलब मोटर यूनिट्स रिक्रूट हो जाएंगे. ठीक है, फिर उसके ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो. तो आई विल शो यू द डायग्राम कि एक नर्व जो जाता है वो मसल फाइबर वो कितने यूनिट्स को लाइक रिक्रूट करता है. ठीक है, सो ये है. ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस इज द नर्व फाइबर और ये मसल्स को जाके लाइक यहाँ पे दिस इज अ सिंगल नर्व फाइबर. ठीक है, ये मसल फाइबर्स हैं. तो नर्व फाइबर कभी भी जाता है तो एक लाइक मसल फाइबर को जो जाके उसके नर्व फाइबर्स के ब्रांचेस जाके जब उसको सप्लाई करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज द मोटर यूनिट. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मोटर यूनिट बोलते हैं. तो अगर ये नर्व फाइबर अगर स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि इफ सपोज दिस नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड, व्हाट इट डज कि ये सिर्फ दो मोटर यूनिट्स को लाइक यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये दो मोटर यूनिट्स को बेसिकली स्टिमुलेट कर रहा है. ठीक है, सो देर इज ओनली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू मोटर यूनिट्स. ठीक है, ये दो होगा बाकी ये दो नहीं होगा. सपोज अगर आपने थोड़ा स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस और ज़्यादा इंक्रीज किया, ओके, आई नीड टू पिकअप सम मोर वेट, और इफ सपोज़ कि यू आर टेकिंग ये क्या इसको बोलते हैं, आपने सुपरा मैक्सिमल स्टिमुलस दिया था, जैसे ये वाले डायग्राम में यहाँ पे आपने सुपरा मैक्सिमल स्टिमुलस दिया. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस आपने और ज़्यादा इंक्रीज किया, सो हाउ दिस शोज सारे के सारे नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो गए. ठीक है, और सारे जाके जितने भी ये जो मोटर यूनिट्स थे सारे रिक्रूट हो गए. सो वंस ऑल द मोटर यूनिट्स विल बी रिक्रूटेड तो द कॉन्ट्रैक्शन विल बी इंक्रीज्ड. ओके, पॉज कर दो. हाँ मैम. ओके, सो एवरीथिंग इज रिक्रूटेड. अब रिक्रूट हुआ तो जो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस रहेगा वो लाइक जो हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहेगा दैट विल बी इंक्रीज्ड. तो इसलिए आपको यहाँ दिख रहा है कि ये सारे हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज बेसिकली इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू दिस सब मैक्सिमल. ठीक है, तो ये डायग्राम को अच्छे से कोरिलेट करो, मैं फिर से बताता हूँ.
सब मिनिमल में क्या हुआ, सब मिनिमल में लाइक जो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस जो हमने दिया था वो बिलो थ्रेशोल्ड दिया था, इसलिए कोई भी मोटर यूनिट्स रिक्रूट नहीं हो पाए। ओके, तो हियर यू, ये सब मिनिमल स्टिमुलस था, फिर मिनिमल स्टिमुलस है, सब मैक्सिमल स्टिमुलस, मैक्सिमल एंड सुपरा मैक्सिमल। सो वी हैव गिवन डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ में हम लोग ने दिया था, एंड उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था मेक और ब्रेक स्टिमुलस में। फिर उसके बाद जैसे मिनिमल ने दिया, आपने थोड़ा सा थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, तो यहाँ पे ब्रेक में मिला रिस्पॉन्स। तो सिमिलरली जब ब्रेक में रिस्पॉन्स मिला, मैं बताऊंगा कि मिनिमल में, सब मिनिमल में क्यों नहीं मिला और मिनिमल में क्यों मिल रहा है। सो द रीज़न इज कि जब आपने सब मिनिमल स्टिमुलस दिया तो कुछ नर्व फाइबर्स ही स्टिमुलेट हुए, बट दे वर नॉट स्ट्रांग इनफ टू बेसिकली कॉज एन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स नहीं हो पाया था, ये अगर स्टिमुलेट होंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, तो वो नहीं हो पाया था। बट वॉट इज हैपनिंग हियर कि जैसे आपने मिनिमल स्टिमुलस दिया तो इनमें से बस एक स्टिमुलस आया, वन नर्व फाइबर हैज बेसिकली विच वॉज सप्लाइंग दिस मसल फाइबर, इसको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया। ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, ये आया सिर्फ ये दोनों को कॉन्ट्रैक्ट या सिर्फ इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, इसलिए यू कैन सी द ग्राफ हियर इज लिटिल बिट इंक्रीज, नॉट मच मोर इंक्रीज्ड, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा आपको इंक्रीज मिल रहा है। जब आपने सब मैक्सिमल दिया, सब मैक्सिमल में यू कैन सी हियर, ये जो सब मैक्सिमल दिया, तो वॉट इज हैपनिंग कि दीज टू नर्व फाइबर्स हैव बीन स्टिमुलेटेड, ओके, और ये सब जाके ये वाले ग्राफ्स को, मतलब एक दो तीन चार, ये जो चार मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये चार मसल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पूरे मसल फाइबर्स को नहीं कर रहा है। सो व्हेन वन दिस इज कॉन्ट्रैक्ट इन दिस, तो इसका एम्पलीट्यूड बेसिकली इंक्रीजेस, ठीक है, बिकॉज देर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मोर मसल फाइबर्स, इसको रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। बट जैसे आपने मैक्सिमल कर दिया या सुपरा मैक्सिमल कर दिया, सो वॉट हैज हैपेंड कि यू हैव रिक्रूटेड ऑल द मसल फाइबर्स हैव बीन रिक्रूटेड, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी मसल फाइबर्स है सारे के सारे रिक्रूट हो गए, ठीक है। तो हियर द हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीज्ड, ठीक है, बट एक लेवल के बाद इट इज नॉट, मतलब एक थ्रेशोल्ड के बाद वो और ज्यादा नहीं जा रहा है, बस उतना ही जा रहा है। वॉट इज द रीजन? बिकॉज रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल द मसल फाइबर्स हैव टेकन प्लेस, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो क्योंकि सारे के सारे मसल फाइबर्स यूज्ड अप हो गए हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि अगर मैं वन बुक उठा रहा हूँ तो थोड़े रिक्रूटमेंट ऑफ मसल फाइबर्स हुए, दो बुक उठाया तो और ज्यादा रिक्रूटमेंट ऑफ मसल फाइबर्स हुए, अगर मैं पूरा का पूरा लाइक वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ मेरे पूरे मसल फाइबर्स रिक्रूट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द हिनमैन प्रिंसिपल, ठीक है, हिनमैन प्रिंसिपल होता है, नीट पीजी में क्वेश्चन पूछता है हिनमैन प्रिंसिपल का। दिस इज द रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स। कोई सा भी स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस आपको कभी भी कुछ उठाना होता है, सपोज ये रिमोट उठा रहा हूँ तो हल्का सा स्ट्रेंथ जा रहा है, बुक उठा रहा हूँ तो थोड़ा और इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जब सारे रिक्रूटमेंट होते हैं तो सारे के सारे लाइक मसल फाइबर्स आर यूज्ड अप। सो दिस इज नोन एज द हिनमैन प्रिंसिपल, ठीक है। सो ये ग्राफ कभी भी देखोगे तो याद रखना। इसमें एक और एक चीज़ पूछता है कि इसमें ऑल और नन लॉ अप्लाई होता है कि नहीं होता है। सो द आंसर इज कि इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्रूटमेंट ऑफ मसल फाइबर्स। तो ऑन और नन लॉ अप्लाई हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यहाँ पे ऑन और नन लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मेक और ब्रेक में भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सर वॉट इज मेक वॉट इज ब्रेक। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, मेक स्टिमुलस इज समथिंग विच यू गिव, जो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस वही रहेगा लेकिन जो करंट रहेगा वो लो रहेगा, तो उसमें सारे मोटर फाइबर्स रिक्रूट नहीं हो पाते हैं, तो उसमें ऑन एंड नन लॉ नहीं अप्लाई होता है। बट ब्रेक वाले में, दिस B1 ब्रेक वाले में यू कैन सी कि ये अपने कैपेसिटी के हिसाब से सारे मोटर फाइबर्स वो थ्रेशोल्ड पे लाइक वो स्टिमुलस पे रिक्रूट हुए हैं। सो इट हैज रीच्ड एट देयर लेवल, इट इज ओबेइंग द ऑन एंड नन लॉ, ठीक है, ये ओबे कर रहा है, ठीक है, ये तो ओबे कर ही रहा है, फाइन। तो यस, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्रूटमेंट ऑफ द मसल फाइबर्स एंड इट ओबेज द ऑन एंड नन लॉ, ठीक है, समझ गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, ओके। सो दिस इज हाउ दे हैव एक्सप्लेन कि सब मैक्सिमल में कैसे रिक्रूट हुआ, ठीक है, देन मैक्सिमल में सारे के सारे रिक्रूट हो गए, एंड दिस इज हाउ इट शोज। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, ओके, थैंक यू सो मच गाइज़।